हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन। सो इन टुडेज वीडियो में करने वाली हूँ मिनीसो हॉल। ये हॉल मेरा फेवरेट होता है जब भी मुझे करना होता है, क्योंकि मुझे मिनीसो से शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। वहाँ पे ऐसे आपको पता ही होगा बहुत ज्यादा क्यूट क्यूट आइटम्स मिलते हैं। तो या मैं जब भी कहीं नहीं जाती हूँ, वहाँ पे मिनीसो स्टोर होता है ना, मैं जरूर वहाँ पे सामान चेकआउट करती हूँ कि क्या नया आया। सो या विदाउट एनी फर्दर, लेट्स गेट इन द वीडियो। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट आइटम, जो फर्स्ट आइटम मैंने परचेज किया था वो थी ये हेयर क्लिप्स। लाइक मिनीसो ने रिसेंटली काफी ज्यादा हेयर एक्सेसरीज भी निकालनी है, जैसे रबर बैंड क्लिप वगैरह। तो मुझे ना ये पेयर काफी ज्यादा अच्छा लगा, स्पेसिफिकली ये मून एंड ये जो एस्ट्रोनॉट बना हुआ है। जो कॉस्ट है ₹190 के 4 पेयर है गाइस, इनकी आप क्वालिटी देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छी है। के बाद मैंने परचेज किया वो ब्रश क्लीनर, जो ब्रश को साफ करने के लिए पैड होता है स्ट्रॉबेरी शेप में। लाइक जो इसकी आउटर पैकेजिंग थी वो मैंने डिस्कार्ड कर दी, क्योंकि मुझे ना ये यूज करना था तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे हॉल भी बनाना, तो मैंने यूज कर दिया। सो ये कुछ ऐसे स्ट्रॉबेरी शेप में था। आप देख सकते हो कि जो मिनीसो की चीजें होती है कितनी ज्यादा लाइक आई कैचिंग बोल लो आप, क्योंकि ना वो देखते इतनी पसंद आते कि खरीदने का मन ऑटोमेटिकली करता ही है उसको। सो कुछ ऐसी स्ट्रॉबेरी शेप में है, इसमें ऐसे कुछ लाइन दे रही है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, उसका साइज काफी अच्छा है तो मैं ऐसे हाथ पे उसको रख के शैम्पू या जो भी कंडीशनर वगैरह होते हैं उसको रख के मैं ऐसे ब्रश अपना साफ कर लेती हूँ। तो फटाफट जो इससे ब्रशेस होते हैं ना काफी डीप क्लीन हो जाते हैं। इसका जो कॉस्ट है ₹150 है, विच इज नाइस। आइटम मैंने परचेज किया था उसके टिश्यू पेपर, मिनीसो के टिश्यू पेपर या फेस टिश्यू बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, फॉर स्पेसिफिकली फॉर द फेस पर्पज। इतना सॉफ्ट स्मूथ होते हैं, तो मैंने परचेज किया था। ये पैक ऑफ टू था तो उसने ये पर पीस ₹70 का था। एंड गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक मैंने अभी ओपन नहीं किया। इसके जो टिश्यू पेपर है ना उसमें ऐसे टेडी बियर्स बने हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा क्यूट है, ये कुछ ऐसे आगे से खुल जाता है। सी ये टिश्यू पेपर का साइज है, आप देख सकते हो उसमें कितना ज्यादा क्यूट डिजाइन सा बना हुआ है। तो गाइस उसी के साथ रैक में रखे हुए थे ये ऑयल एब्जॉर्बिंग शीट्स, जो कि ऐसी कुछ दिखती हैं। ये पैक ऑफ टू ₹200 का, ऐसे ओपन करके यहाँ पे आप टिश्यू पेपर निकाल लो। लाइक जिनकी ऑयली स्किन वाला होती है ना ये उसके लिए काफी ज्यादा अच्छे है। लाइक मेरी ना इस रीजन से ना बहुत ज्यादा जो नोज वाला होती है वो ऑयली हो जाती है। तो जैसे कि बाहर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो बहुत ज्यादा गर्मी में तो स्वेटिंग होती है, तो आप इसको निकाल के अपना जो भी ऐसे स्वेट वगैरह सब पूछ लो, बढ़िया लगता है। मैंने परचेज किया ये रिसेंटली लॉन्च हुए हैं इसके डीप क्लींजिंग नोज स्ट्रिप्स करके। ये ₹170 के 10 पीसेज आते हैं और इसमें ना आई पैचेस वाला एक ऑप्शन भी है। आई पैचेस वाला मुझे इतना जरूरत नहीं पड़ी, इसमें मैंने नोज पैचेस वाला ले लिया। इसमें लिखा है इंस्टेंटली अनक्लॉग्स या पोर्स रिड्यूस ब्लैक हेड्स। इसमें ना मैंने ऑलरेडी एक पेयर यूज भी कर लिया, लाइक मैंने एक पेयर यूज किया था, मेरे भाई ने भी यूज किया था ट्राई करने के लिए कि कैसा है कैसा नहीं। ये अंदर से कुछ ऐसी पैकेट में आता है और इसमें ना 10 पीसेस दे रखे हैं, आपको दिखाती हूँ। और ये कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट अप आई गॉट द दीज क्यूट ब्रश सेट फ्रॉम मिनीसो। लाइक ये इतने ज्यादा क्यूट लगे मुझे। लाइक मिनीसो के ब्रशेस ना बहुत ज्यादा अच्छे और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। मैंने बहुत बार अपने चैनल पे उसके ब्रश रिकमेंड भी किए हैं, बताए भी हुए हैं, बिल्कुल खराब नहीं होते कि आप कितनी बार भी उनको वॉश कर लो। और लाइक उनसे ब्लेंड करना भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए ऐसे कुछ दिखते हैं। इसमें भी एक है जो कि मैंने इस वीडियो के लिए निकाल के रखा हुआ था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ इसकी पैकेजिंग कितनी क्यूट है। सी तो या और इसका जो कॉस्ट है ₹390 में आपको 5 पेयर मिल रहे हैं, विच इज नॉट बैड। आप अपना फेस सेट कर सकते हो, ब्लश लगा सकते हो, ये आई शेडोज के लिए यूज करेंगे और ये आईब्रो के लिए भी दे रखा है। आईब्रो या फिर लिप लाइनर के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी क्यूट पेयर फ्रॉम मिनीसो। लाइक वहाँ पे मिरर के ऑप्शन भी काफी होते हैं, लाइक जो आप वैनिटी में रख सको मिरर्स, तो काफी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। ये वैनिटी मिरर मैंने लिया था साइड में, इसको ना अपने सामने ऐसे रख के इसको मेकअप कर सकूँ ज्यादा बहुत अच्छा होता है। लाइक जो हाथ वाले मिरर होते हैं उससे मुझे बेटर कन्वीनियंट ये लगता है, क्योंकि हाथ वाले में आपका एक हाथ तो ऑक्यूपाइड हो जाता है। तो आप इससे अच्छा ऐसे कुछ ले लो, काफी अच्छा है। इसका जो कॉस्ट है ₹190 है, जो कि बहुत ज्यादा सस्ता है। तो ये कुछ ऐसे लेवेंडर कलर में है, आप मैं पीछे नहीं दिखाऊंगी, बिहाइंड द सीन्स वाला सिनेरियो है। सो या पीछे का बैकग्राउंड आप छोड़ ही दो। सो ये आप देख सकते हो बिल्कुल लेवेंडर कलर में, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट है। और इसमें ऐसा क्या है आप ना, इसमें मुझे सबसे अच्छा लगा कि आप इसमें अपना ज्वेलरी रख सकते हो, जो डेली वेयर के छोटे छोटे स्टड्स वाला होते हैं या एक लिपस्टिक लाइनर जो भी आप यूज करते हो आप वो ऐसे यहाँ पे रख सकते हो और अपना फटाफट ना ऐसे मेकअप कर सकते हो। एंड इसकी मिरर क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है इसकी मिरर क्वालिटी। एंड ₹190 के हिसाब से तो बहुत अच्छी डील है वाली।
एंड गाइस जो लास्ट आइटम है इस हॉल का जो कि है ये स्टोरेज बॉक्स, मीसो के स्टोरेज बॉक्स में आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी खरीदने की। लाइक इसमें बहुत ज़्यादा ही ऑप्शन था, मेरे पास भी ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज बॉक्स परचेज करके रखे हुए हैं। सो इसको मैंने अभी तक ओपन नहीं किया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसमें रखूँ तो रखूँ क्या, क्योंकि इतना क्यूट है ये। देखो बेबी पिंक कलर का है, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट पिंक कलर होता है ना उसका है ये। इसका जो कॉस्ट ₹360 है विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि अगर आप अमेजोन पे एक्रेलिक और स्टोरेज बॉक्सेस देखोगे ना वो आपको आराम से 500 प्लस के शो होंगे। सो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसमें पिक्चर बनी हुई है कि ये ऐसे है। ऑलरेडी मेरे पास में व्हाइट कलर में भी है जिसमें मैंने अपनी ज्वेलरी भर के स्टोर कर रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपनी ज्वेलरी कैसे रखी है। सो गाइस मेरा पुराना वाला बॉक्स है जो कि मैंने मीशो से खरीदा था, और ये नया वाला बिल्कुल सेम साइज़, ऑलमोस्ट उसका सेम साइज़ है। ये मैंने जब मैंने एक दो साल पहले खरीदा था, आप इसकी हालत देख सकते हो अभी तक इतनी बढ़िया है। और लाइक एक दो साल पहले मैंने सिर्फ ₹190 का खरीदा था और अभी ₹360 का मिल रहा है। लाइक प्राइस में कितना डिफरेंस आ गया है, तो आप देख सकते हो जिसमें मैंने जितनी भी ज्वेलरी रखी हुई है ना बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, और जितना भी आइटम है सब इसमें ट्रांसपेरेंटली दिखता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है कि आप, मैंने नीचे वाले ड्रॉअर में क्लिप्स रखी हुई है इसमें, तो फर्स्ट में जो थोड़े बहुत मैंने इयररिंग्स के पीसेस रखे हुए हैं। या गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको मेरा ये मिनीसो हॉल अच्छा लगा हो। इन केस अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।